नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसमिशन कंपनी बोल सकते हैं, तो जो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। देखिए, पावर सेक्टर में नंबर वन और नंबर टू में कौन था? नंबर वन नंबर टू में देखा जाए तो अदानी ग्रुप के शेयर था, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी पावर था। तो उसको भी बीट कर पाए कौन सा दो कंपनी जो है नंबर वन में अभी, वो और नंबर टू दोनों ही देखा जाए गवर्नमेंट कंपनी है। तो नंबर वन में कौन है? नंबर वन है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी नंबर वन पोजीशन में है। और सेकंड पोजीशन में कौन है? सेकंड पोजीशन में देखा जाए तो जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो कंपनी है पावर ग्रिड। तो मैं आज पावर ग्रिड के बारे में डिस्कशन करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसके चलते हुए कंपनी को एक बहुत बड़ा फंडिंग मिलेगा। उस फंडिंग से कंपनी खुद को बिजनेस को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मैं जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, बहुत सारे अपडेट्स टेलीग्राम में आपको जरूर मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। पावर ग्रिड जो देखा जाए तो 6 मंथ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, 1 साल में देखा जाए तो 8% तक रिटर्न दिया और 5 साल में कंपनी 56% का रिटर्न दिया, उतना खास रिटर्न नहीं है। कोविड के बाद ही अच्छा खासा मोमेंटम रैली देखने को मिला। मैक्सिमम चटपट पॉइंट कर दूं तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 200% का रिटर्न दिया। तो इसका मतलब कंपनी स्टार्ट हुआ था मतलब मान के चलिए 100 के आसपास और कंपनी अभी 200 में चल रहा है। तो कंपनी आपका फंड एक्चुअली कंपनी आपका फंड देखा जाए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 2 गुना आपका फंड किया है। तो आप कहेंगे सर क्या फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, इस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आप आशा रखे हैं कि इस कंपनी आपको मल्टी बेगा रिटर्न मतलब करीबन करीबन 30-40 गुना 50 गुना 100 गुना आपको रिटर्न दे देंगे, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि इस तरीके से हो भी सकता है ना भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का एक थिंकिंग होता है। गवर्नमेंट कंपनी हमेशा फोकस रखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के माध्यम से जितने सारे देशवासी है उसको मतलब सर्विसेज दिया जाए, किसी के पास से प्रॉफिट एंड लॉस लॉस के हिसाब से काम नहीं किया जाए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से जब गवर्नमेंट काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हर कोई स्टॉक तेजी से भागेगा और प्राइवेट कंपनी से भी कई गुना ज्यादा लोग गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मतलब एक एक डेटा आपको बता देता हूँ। सिंगापुर आज आप सब जानते हैं वर्ल्ड के एक पॉपुलर कंट्री से एक है। तो सिंगापुर जो है वो देखा जाए आज इतना पॉपुलर क्यों बना? क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट कुछ अलग से सोचता है। उसका गवर्नमेंट के पास ही जितने सारे कंपनीज है वो कंपनी आप देखेंगे तो शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फोकस रखे है हर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर प्रॉफिट कमाने के लिए, और गवर्नमेंट थिंकिंग ऐसे रखे है जिसलिए प्राइवेट कंपनी से कई गुना ज्यादा गवर्नमेंट कंपनी वहां पे प्रॉफिट देता है। अगर सिंगापुर जैसे सोचेंगे तो इंडिया का भी ग्रोथ सिंगापुर जैसे होगा, साथ ही साथ इंडिया के जितने सारे गवर्नमेंट कंपनी है उसमें तो हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो पावर ग्रिड के ऊपर कौन सा न्यूज है चलो सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ, तो मैं पूरा क्रेडिट मनी कंट्रोल को दूंगा अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश करने के लिए। तो मनी कंट्रोल ने क्या न्यूज पब्लिश किया आप देख सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो क्या करने वाले हैं, बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग अप टू 900 करोड़ भाया बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है ध्यान से इस चीज को देखना। यहाँ पे देखिए, द बेस इशूज साइज विल बी 300 करोड़ विथ ग्रीन शो मतलब ऑप्शन ऑफ द सॉरी ऑफ रुपीज 600 करोड़। इसका मतलब क्या है अब ध्यान से सोचना। स्टेट ओनर्ड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन मंडे के दिन सेड दैट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड रेजिंग अप टू 900 करोड़ थ्रू इशूज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मतलब मैं बहुत बार इसके ऊपर बातचीत कर चुका हूँ, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? देखिए ये एक बॉन्ड्स है,
इस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? देखिए, जो डिबेंचर्स आप इक्विटीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देखिए बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जहाँ आप जो आपको जिस बॉन्ड को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान के चलिए आपने बॉन्ड खरीदारी की है और आप सोच रहे हैं उस बॉन्ड को मैं इक्विटी में कन्वर्ट करूंगा, मतलब उस बॉन्ड को देकर मैं इक्विटीज कोई भी कंपनीज का इक्विटीज ले लूंगा। तो इस तरीके से बॉन्ड को कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोला जाता है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बोला जाता है। मगर यहाँ पे क्या है, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मतलब जिसको आप इक्विटी में कन्वर्ट बिल्कुल कर नहीं सकता, तो इस तरीके से बॉन्ड इशू किया जा रहा है। इसका मतलब देखिए, वो पैसा आपको कंपनी को देना पड़ेगा, उस पैसे से कंपनी आपको इंटरेस्ट देंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए कंपनी जो यहाँ पे बॉन्ड का इशू कर रहा है तो टोटल 900 करोड़ के आसपास है। इस 900 करोड़ से कंपनी खुद का बिजनेस को एक्सटेंड कराएगा, खुद का बिजनेस को मतलब पॉजिटिविटी में काम करेंगे। तो कंपनी इस तरीके से बॉन्ड क्यों इशू कर रहा है, आप देख सकते हैं। कमिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड द इन दियर मीटिंग्स हेल्ड टूडे दैट इज 9 मार्च, मतलब 9 तारीख को इस तरीके से मीटिंग हुआ था, हैज अप्रूव्ड द रेजिंग ऑफ अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल, यहाँ पे देखिए नॉन कम्युलेटिव एंड रिडीमेबल टैक्सेबल पावर ग्रिड बॉन्ड्स यहाँ पे इश्यू करने वाला है। तो इस तरीके से बॉन्ड पहले आज नहीं 71 बार, इतनी बार कंपनी बॉन्ड इशू कर चुके हैं। तो इस बार 900 करोड़ का बॉन्ड इशू किया जा रहा है और 10 साल के लिए टाइम पीरियड रहेगा इस बॉन्ड का, मतलब 10 साल तक इस बॉन्ड को आप बेच नहीं पाएंगे। साथ ही साथ इस बॉन्ड से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, परसेंटेज भी मिलेगा। तो कितना परसेंटेज मिलेगा वो यहाँ पे आप देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया गया नहीं है। इस बॉन्ड के पैसे से कंपनी क्या करने वाले है वो देख लीजिए। देखिए राजस्थान में एक 8.1 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट होगा, उसके ऊपर काम करेंगे। साथ ही साथ और भी देखेंगे तो कंपनी और एक प्रोजेक्ट करने वाला है, एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट यहाँ पे करने वाला है जिसका टोटल कैपेसिटी होगा 760 किलो वोल्ट डीसी मतलब ट्रांसमिशन के लिए। इस तरीके से पैसे को वो यूज करेंगे और वो भी कहाँ पे, राजस्थान में। तो कहने का मेन मुद्दा क्या था, कहने का मेन मुद्दा था कि इस तरीके से थिंकिंग इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि देखिए कंपनी को जब बिजनेस करना पड़ता है तब पैसे का जरूरत होता है, तो उस पैसे के लिए वो बैंक से लोन नहीं लेता क्योंकि बैंक से अगर लोन लेगा तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए वो करते क्या है, बॉन्ड इशू करते हैं। देखिए बॉन्ड वो कंपनी इशू करने के बाद भी उसको बॉन्ड सेल आउट हो जाता है जो कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अच्छा है। और जब कोई गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड इशू करते हैं तो उसके ऊपर लोग भरोसा करके निवेश भी करते हैं। तो देखिए आज अदानी के ऊपर जिस तरीके से हालत हुआ है, क्या दूसरे लोगों को पूछेंगे कि अदानी ने फिर से बॉन्ड इशू किया है, लोग खरीदने के लिए मना कर देंगे क्योंकि वो कहेंगे बॉन्ड का ही इसका मेन मेजर प्रॉब्लम आया जिसके चलते हुए अदानी ग्रुप आज इस तरीके से क्रैश देखने को मिला। तो फिर से वो बॉन्ड इशू कर रहा है मतलब लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तो क्या इस तरीके से न्यूज के ऊपर कंपनी के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए कंपनी बॉन्ड जो इशू कर रहे हैं पैसा घर में ले जाने के लिए नहीं, कंपनी के खुद का बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो बिजनेस बड़ा हो रहा है मतलब कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा मतलब कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक चलेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देंगे। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न तो दिया है, मैं बिल्कुल कहूंगा गवर्नमेंट कंपनी ने 11% तक साल भर में रिटर्न दिया, 10 साल में, कोई खराब नहीं है। इस कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है FSDS ने। क्यों रखा, उसके पीछे एक ही लॉजिक है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं, बोनस बाईबैक भी देते हैं, तो सब कुछ देने के लिए ही कंपनी अच्छा खासा पोजीशन में है। तो कंपनी इसके ऊपर डिटेल्स डेटा में यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। आपको डिटेल्स डेटा जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो एक टेन लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया हूँ। इस ट्रेंड बता रहा है कि कंपनी बहुत बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो बहुत बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर ब्रेक करे तो एक अब मोमेंटम जरूर दिखेगा, तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से ब्रेकआउट होगा। अगर होगा तो यहाँ पे दो अलग अलग लेवल दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको आपके सामने ड्रॉ करके दिया जो 238 के आसपास है। इस लेवल बहुत स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि इस लेवल से एक बिग क्रैश देखने को मिला। इस लेवल को मैं सिर्फ रेजिस्टेंस जोन नहीं कहूंगा, उसके साथ साथ मैं सप्लाई जोन भी कहूंगा, क्योंकि जब कोई कोई लेवल बनता है सब रेजिस्टेंस कम सप्लाई के, उस जोन बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहां से जाकर फिर से वो क्रैश हो जाता है। अगर उस लेवल को सस्टेन करता है कुछ टाइम तक वॉल्यूम करके ब्रेकआउट होता है तो सोचना
वो लेवल ब्रेकआउट जरूर होगा। तो इस तरीके से जानकारी पाने के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, तो प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए। आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।